हेलो जी, आज हम बात करेंगे LIC का नया टर्म प्लान जीवन अमर। टेबल नंबर इज 855। एक नया टर्म प्लान लॉन्च किया गया है LIC का इसी मंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज अ लॉन्ग अवेटेड टर्म प्लान फ्रॉम LIC, द ओनली यू नो गवर्नमेंट इंश्योरर। देर आर सम राइडर्स ऑल्सो जो पहले अवेलेबल नहीं थे, लाइक एक्सीडेंटल राइडर, एंड आपको प्रीमियम पेइंग टर्म का भी, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म भी इसमें लाया गया है। सो अगर इसकी बात करें, लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ द प्लान। सो सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस प्लान को लेने के लिए। मिनिमम सम इश्योर्ड इज 25 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट अगेन फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बेसिस पे ही आपको मैक्सिमम सम इश्योर्ड मिलता है। मिनिमम जो एंट्री एज है दैट इज 18, मैक्सिमम एंट्री एज इज 65, मैक्सिमम कवर सीजिंग एज इज 80 ईयर्स पे पॉलिसी खत्म हो जाएगी। मिनिमम पॉलिसी टर्म इज 10 ईयर्स, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इज 40 ईयर्स। So which means if I am 30 right now, I can take maximum term of 40 years. My policy will cease at 70. So if I am, let's say, 50 and I want to take 40 years ka term, main wo bhi nahi le sakti kyunki 80 years pe policy khatam honi hai. So tab mujhe 30 years ka term hi milega. So whichever is earlier, either 40 years or 80 years. 40 years is the term, 80 years is the age. जैसे मैंने बताया, मिनिमम सम इश्योर्ड 25 लाख है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस पे दो तरह के सम अश्योर्ड हैं, एक तो है आपका लेवल्ड, मतलब सेम सम अश्योर्ड रहता है थ्रू आउट द टर्म, दूसरा है इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड है वो 5 ईयर्स के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होता है 10%। सो लेट्स अज्यूम कि एक्स इज द सम अश्योर्ड, वो 5 ईयर्स के बाद 1.1x हो जाएगा, 6th ईयर पे 1.2x हो जाएगा, 7th ईयर पे 1.3x हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो ऑन 15th ईयर इट विल बी 2x, डबल द सम अश्योर्ड हो जाएगा। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो वो इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड वाले ऑप्शन में 2 करोड़ की हो जाएगी, और 16th ईयर ऑनवर्ड उसका सम अश्योर्ड 2 करोड़ ही रहेगा फॉर टिल द पॉलिसी टर्म। और इस प्लान की खास बात यह है कि स्मोकर नॉन स्मोकर प्रीमियम्स अलग हैं। नॉन स्मोकर ऑफकोर्स इज अ लोअर प्रीमियम, पहले सेम ही प्रीमियम होता था, लोडिंग लगती थी। सो अब नॉन स्मोकर अलग कर दिया है, और फीमेल्स के लिए प्रीमियम इज ऑन लोअर साइड। देर आर डिफरेंट प्रीमियम पेइंग ऑप्शन इन दिस प्लान। अगर प्रीमियम पेइंग ऑप्शन की बात करेंगे तो एक तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट है ही, मतलब मेरी 40 ईयर्स की पॉलिसी है, आई वॉन्ट टू पे फॉर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के मैं पे कर सकती हूँ। सो द अदर ऑप्शन इज लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी इसमें ला दी गई। फॉर एग्जाम्पल, माई पॉलिसी इज फॉर 40 ईयर्स, आई कैन पे 10 ईयर्स और 5 ईयर्स लेस दैन माई पॉलिसी टर्म। सो अगर 40 ईयर्स है तो मैं प्रीमियम 30 साल या 35 साल तक पे कर सकती हूँ। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है, कई लोग प्रेफर करते हैं कि वन टाइम दे दिया उसके बाद नहीं देना पड़े। ऑफकोर्स अगर सिंगल प्रीमियम देते हैं, लिमिटेड प्रीमियम देते हैं, तो ऑफकोर्स कम जाता है, अप फ्रंट ज्यादा जाएगा, बट अगर टोटालिटी में देखेंगे तो टोटल प्रीमियम पेड विल बी लेस। प्लस इसमें और भी ऑप्शन डाली गई, जैसे कि डेथ बेनिफिट ऑप्शन है। पहले ऑप्शन यही था कि लमसम नहीं लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 1 CR ऑफ कवर ऑन माई लाइफ एंड इफ समथिंग हैपन्स टू मी, वो मेरे को पहले ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पॉलिसी लेते टाइम ही ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 3 ऑप्शंस हैं मैं जो चूज कर सकती हूँ। नॉमिनी को या तो लमसम बेनिफिट मिल जाए, मतलब 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 करोड़ मिल जाए। दूसरा है इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाए, एक अच्छे ना मिले। इफ आई एम नॉट श्योर, लेट्स से आई एम नॉट श्योर माई नॉमिनी विल बी एबल टू हैंडल दी एंटायर अमाउंट एट वंस, उनको रेगुलर इनकम बनानी चाहिए, तो फिर कई लोग रेगुलर इनकम प्रेफर करते हैं, उस केस में आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड लमसम ऑप्शन। तो ये पॉलिसी लेते टाइम ही एक्सरसाइज करना होगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी है, जो कि 70 इयर्स पे सीज हो जाता है। मतलब अगर मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है और मैं 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहूँ, उसका थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देना होता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट 2 CR इज पेड टू द नॉमिनी। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। लेवल सम अश्योर्ड का अगर इलस्ट्रेशन एक लेते हैं, सम अश्योर्ड रेज्यूम करा 1 करोड़ एंड टर्म इज 10 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म भी 10 साल है, और प्रीमियम जो मोड है वो ईयरली है, मतलब साल में एक बार देना है। तो अलग अलग 3 एज पर मैंने प्रीमियम कैलकुलेट करा। जैसे अगर 20 इयर्स की एज पे कोई ये पॉलिसी लेता है, और मेल का और फीमेल का प्रीमियम अलग है। सो मेल प्रीमियम इज 8080 और फॉर फीमेल द प्रीमियम इज 7760, एंड एट द एज ऑफ 30 द प्रीमियम इज 9280 फॉर मेल एंड फॉर फीमेल इज 8720। 40 ईयर्स पे 16,065 इज फॉर मेल एंड 13,260 इज फॉर फीमेल। दीज आर द प्रीमियम फॉर नॉन स्मोकर। कुछ भी आपको डाउट्स हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट फ्यूचर की जो वीडियोज हम बनाएंगे आप उसको मिस ना करें।